उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में टीम 11 के साथ की बैठक। बैठक में सभी बड़े अधिकारी रहे शामिल। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। बांदा जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने सरकारी स्कूल का किया औचक निरीक्षण। 8वीं के बच्चे नहीं सुना पाए राष्ट्रगान। डीएम ने महिला सहायक अध्यापक को किया सस्पेंड। डीएम ने खुद ही बच्चों को शुरू किया पढ़ाना। गोरखपुर जिलाधिकारी के कराए गए स्टिंग ऑपरेशन के मामले में 12 अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। बता दें, डीएम के आदेश पर सीओ कैंट ने फॉरेंसिक टीम के साथ रजिस्ट्री कार्यालय में मारा छापा। छापेमारी में मिली बड़ी गड़बड़ियां। चंदौली में भारतीय युवा शक्ति मोर्चा मिशन समाज सेवा के संचालक कृष्णकांत तिवारी को एक युवक ने सोशल मीडिया पर दी जान से मारने की धमकी। पीड़ित ने पुलिस से न्याय की लगाई गुहार। मामले में एसपी ने दिए कार्रवाई के आदेश। विगत कई महीनों से एक फेसबुक मेरे आईडी पे आलमपुर आशुतोष कुमार यादव आलमपुर के नाम से एक लड़का जो है वो मुझे धमकियाँ दे रहा है और अंत में जो है कि हमारे घर पर भी पत्थर फेंका जाना लगा और जान से मारने की धमकी दे रहा है। अच्छा, हमने एस पी साहब से एप्लीकेशन दिया हुआ है। तो क्या बोले एस पी साहब? उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो वैसा कार्य करा उसे जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा। संभल में अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन ने की कड़ी कार्रवाई। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलने से अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। बता दें, एसडीएम अभिनव गोपाल के नेतृत्व में टीम ने की कार्रवाई। इसमें यहां पर देखा गया है कि चौधरीसराय का जो चौराहा है, यहां पर जो मुख्य चौराहा कह सकते हैं आप संभल का, वहां पर काफ़ी समस्या होती है ट्रैफिक को लेकर और एक्सीडेंट होने की संभावना भी लगातार बनी रहती है। और इसका जो मुख्य कारण देखा गया था कि जो अतिक्रमण कर रखा था दुकानदारों ने स्पेशली, तो उसको ही हम लोग हटाने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ रोड जो थोड़ा साफ हो सके और यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या सुलझाई जा सके। अगर बात की जाए बुलडोजर की, तो कितने बुलडोजर चले हैं अतिक्रमण के खिलाफ? आज 2 जेसीबी चल रहे हैं, साथ साथ जितने भी होर्डिंग्स हैं और जितने भी इलीगल बोर्ड्स लगे हुए हैं या जो पोल्स लगे हुए हैं उनको भी हटाया जा रहा है। उसके लिए भी लगातार 2-3 ट्रैक्टर्स जेसीबी लगे हुए हैं। गोरखपुर जिले के कैपियरगंज विकास खंड के कहरौली प्राथमिक स्कूल में बच्चों को नहीं मिल रहा मानकों के अनुसार भोजन। आदेश के बाद भी नहीं बदल रही स्कूल की स्थिति। एक ही शौचालय में जाने को मजबूर छात्र छात्राएं। कन्नौज के गुड़सहायगंज कोतवाली क्षेत्र के तिलपई डिकसरा में सपा नेता की मार्केट पर चला सीएम योगी का बुलडोजर। बता दें, सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रजनीकांत यादव ने ग्राम समाज की जमीन पर बनवाई थी अवैध मार्केट। जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ अवैध मार्केट पर की कार्रवाई। ग्राम तिलपई डिकसरा में सरकारी जमीन है, जिस पे रजनीकांत यादव द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके निर्माण किया गया था, जिसको माननीय उपजिलाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार हम लोग यहाँ पे इसको कब्जा मुक्त कराने आए हैं। उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। कितनी दुकानें हैं यहाँ पे? लगभग 8 दुकानें थी और लगभग 15 डिसमिल में ये बना हुआ है। तो क्योंकि अवैध कब्जा था सरकारी भूमि में, तो नियमानुसार उसी अनुसार की कार्रवाई की। लगभग कितनी कीमत की होगी मार्केट इसकी? अगर हम दुकानों पर कीमत देखें तो लगभग 20 लाख के ऊपर है इसकी कीमत। तो क्योंकि बेस कीमती सरकारी जमीन है हमारी। मेरठ के थाना जानी के MIET कॉलेज कैंपस में छात्र की चाकुओं से गोदकर की गई हत्या। आधा दर्जन साथी छात्रों ने दिया हत्या को अंजाम। हत्या से कॉलेज कैंपस में मचा हड़कंप। मामूली बात पर की गई हत्या। बड़ौत निवासी बीटेक सेकेंड ईयर के छात्र निखिल की हुई है हत्या। थाना क्षेत्र जानी के MIET कॉलेज के अंदर निखिल नाम का एक लड़का है, जो मूल रूप से बड़ौत का रहने वाला है, सेकंड ईयर का छात्र है। इसकी चाकू मारकर हत्या की गई है। कॉलेज के ही लड़के हैं। गाली गलौज के कारण दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। इसमें अभी 4-5 लड़कों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जो मुख्य अभियुक्त है, जो प्रथम दृष्टि अभी बात निकल के आ रही है जिसने चाकू मारा है, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई। कितने आरोपी थे इसमें? अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होते ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। अभी प्रथम दृष्टिया जिन लोगों का नाम आ रहा है, उन सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। झांसी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने रेकी कर चोरी को अंजाम देने वाले शातिर पति पत्नी को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से करीब 9 लाख के सोने चांदी के जेवरात बरामद। CCTV के जरिए पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। श्रीमती रेकी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया थाना कोतवाली पर कि जब वो बाजार में थी कोतवाली के माली तिराहे के पास में, नगरिया बटन के पास में, तो वहाँ पास में खड़ी एक महिला द्वारा उनका बैग खोलकर उसमें से कुछ जेवरात निकाल लिए गए, जिसके संबंध में उन्होंने थाने पर सूचना दी 9 तारीख को। और तत्काल ही श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर टीमें गठित कर दी गई। CCTV और सर्विलांस की मदद से
इस घटना का सफल अनावरण किया गया है, जिसमें एक अभियुक्ता रुखसा उर्फ रुखसाना पत्नी सलमान थाना रोहन जिला भिंड मध्य प्रदेश की प्रकाश में आई और इनके पति भी साथ में शामिल रहे हैं इसमें घटना में। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए कर रही है काम। इसी कड़ी में महोबा एसपी सुधा सिंह की अध्यक्षता में मिशन चौपाल का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूल की बच्चियों ने किया प्रतिभाग। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बच्चियों को टीका लगाकर किया स्वागत। कार्यक्रम में बच्चियों को दी गई पुलिस की कार्यप्रणाली की जानकारी। ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, ये कार्यक्रम उसके अंतर्गत कराया जा रहा है। आज से ये कार्यक्रम की शुरुआत है कि सभी स्कूलों के बच्चों का एक थाने से इंटरेक्शन हो, थाने से अज्ञात भय जो एक बच्चों के मन में होता है वो उस भय को दूर किया जाए। इसके नाते ये प्रत्येक थाने में मेरे द्वारा शुरुआत की गई है। आज पहला थाना था जिसमें थाना कोतवाली के अंतर्गत हमारे विभिन्न स्कूलों के बच्चे आए हैं, बच्चियाँ आई हैं जिनको थाने के कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया है, उनको जो पुलिसिंग है उसके बारे में बताया गया है और जो मेन बात बताई गई थी किसी भी प्रकार का भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है और विभिन्न जो हेल्पलाइन नंबर है उसके बारे में उनको बताया गया है। इस प्रकार हम ये अपना छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चियां हैं उनके मन से जो है किसी भी प्रकार का भय दूर हो सके और वो किसी भी समस्या के समय में निसंकोच होकर पुलिस की मदद ले सके। इसी के साथ इस वक्त की टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी अन्य तमाम बड़ी खबरों और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।